हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी की ओर से एक अपडेट जारी हुई है जो कि बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीबीएससी नर्सिंग और भी कई सारे कोर्सों के लिए ये नोटिस आज ही आप यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे 24/8/2023 को इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया होगा अब तक तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको दी जाती हैं समय से और सबसे पहले। तो चलिए इस नोटिस में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसे हम विस्तार से जानेंगे। वैसे तो आपको बता दें मोटा मोटा कि इस नोटिस में आपके परीक्षा फॉर्म से संबंधित सारी चीज़ों को बताया गया है कि कब से कब तक ये परीक्षा फॉर्म भराया जाना है, लास्ट डेट कब है, कब आप अपने महाविद्यालय में इस फॉर्म को जमा कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। देखिएगा, नोटिस में लिखा है तद्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि बीएससी नर्सिंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, पीबीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर, एमएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर, बीपीटी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, ओटीटी सेकंड, थर्ड सेमेस्टर, ऑप्टोमेट्री सेकंड, थर्ड सेमेस्टर, बीआरडीआईटी एमएलटी सेकंड, थर्ड सेमेस्टर, एनपीसीसी सेकंड सेमेस्टर और एमएससी एमएलटी सेकंड ईयर सप्लीमेंट्री 2023 को अति शीघ्र संपन्न कराए जाने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म और परीक्षा शुल्क दिनांक 26/8/2023 से लेकर के 5/9/2023 तक भरे या जमा किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सभी जो कोर्स हैं इनका हर एक जो भी सेमेस्टर है, जिस सेमेस्टर में आप होंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका फॉर्म 26/8/2023 से स्टार्ट हो जाएगा फिल होना। तो 26 से आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे और लास्ट डेट रहने वाली है 5 सितंबर, यानी कि 5/9/2023। तो ये लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट आपको अपने ध्यान में रखना है कि ये फॉर्म कब से कब तक भराया जाना है। वैसे तो समय रहते ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा लास्ट डेट से पहले ही पहले, क्योंकि ये हर बार नहीं होता है कि लास्ट डेट को बढ़ाया ही जाएगा। तो इसलिए 5 सितंबर से पहले अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, लिखा है छात्र छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म को 6/9/2023 तक संबंधित संस्थान में जमा किए जाएंगे। यानी कि इस फॉर्म को आप फिल कब कर सकते हैं? 5 सितंबर तक। लेकिन इस फॉर्म को आप अपने महाविद्यालय में जो जमा करेंगे उसकी लास्ट डेट होगी 6/9/2023। तो 6 सितंबर तक आप इसे अपने महाविद्यालय में आराम से जमा कर सकते हैं। तत्संबंधी महाविद्यालयों से अपेक्षा की जा रही है कि पूरित आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन या वेरिफिकेशन 7/9/2023 तक करते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्रों का संबंधित छात्रों की सत्यापित सूची परीक्षा विभाग में 8/9/2023 तक जमा करें। तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये महाविद्यालय के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि आप इस फॉर्म को भरते समय सूक्ष्मता से इसका निरीक्षण कर ले। आपके नाम और पिता के नाम में अगर कोई भी त्रुटि पाई जाएगी इस फॉर्म के अंदर तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं ही माने जाएंगे। तो अगर खुद से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ कीजिएगा, कोई भी गलती या कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। तो ये रही आज की एक लेटेस्ट अपडेट नर्सिंग के छात्रों के लिए। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको समय से दी जाती हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।